हमारी जिंदगी में हमें बहुत सी मुश्किलात और परेशानियां आती हैं, बैरियर्स आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, मसला ये होता है फिर भी हम जीते हैं। कभी अपने आप से सवाल किया है क्यों? गुर्बत हो तो, अमीरी हो तो, इश्यूज हो तो, कोई छोड़ के चला जाए तब, वालदैन डांटे तब, टीचर्स डांटे तब, जिंदगी हमारी चलती रहती है, सांस हम लेते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जहन में, हमारे कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड में एक गोल है, एक विजन है जो हमें हासिल करना है। यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं प्री मेड और इंजीनियरिंग के, हर कोई अपने आप में अभी से एक इंजीनियर और डॉक्टर देखता होगा, देखता है ना, क्योंकि आपने ये लाइन इसीलिए चुनी। यू आर इन दिस फील्ड बिकॉज यू वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर और एन इंजीनियर और समबडी इन बिटवीन, यू वॉन्टेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर एज वेल। आपके सबकॉन्शियस माइंड को, आपके कॉन्शियस माइंड को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी स्पिरिचुअलिटी को एक विजन की जरूरत लाजमी होती है, बिकॉज that boost you up and that will let you live in the hardships of your life. agar wo vision nahi hoga to aapke paas jeene ka sahara kya hai? jab aap kuch banna hi nahi chahte, kuch karna hi nahi chahte, to phir aap kyun jee rahe? kuch na kuch to nikalna hai na apni zindagi se. every human is a resource, that's what we call human resource, and every human is productive. aap aaj bhi apni zindagi mein bahut productive kaam kar rahe honge, aapko pata bhi nahi hoga, kyunki insaan apni choti choti successes ko count nahi karta. uski sabse badi galti hai. aapka is college ki bench pe baithna, is classroom mein bhi ek achievement hai. the walk to that vision must be so aligned that in the way I do not waste time, because wastage nahi hoti. sabse pehle uske liye aapko kya karna hai? you have to get the knowledge, knowledge about friends, knowledge about the field, knowledge about the experts of that field. bhai kaise ho raha hai ye dost mera, kitna percent mere liye faydemand hai, ye kaun decide karega? kyunki hum dosti karne se pehle na calculations nahi karte. ye banda mere mindset ka hai, mere sath bahut acha chalega, ye bhi benson peeta hai, main bhi benson peeta hu, oh ye bhi ye karta hai, main bhi ye karta hu, bahut achi chali, chalo bhai aa jao dosti ho gayi. come on man, is this the criteria of friendship? दोस्त ही क्या जो आपको फायदा ना दे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, लेकिन ये डिसाइड आपको करना है कि आपका दोस्त कौन होगा, आपका दोस्त कैसा होगा, किस तरह टाइम आपको उसके साथ लगाना है। अगर आप एक बेटे हैं तो आपको अपनी लाइफ का कितना परसेंट अपने पेरेंट्स को एलोकेट करना है। भाई जो भी है, मेरा विजन नहीं खत्म होना चाहिए, वो नहीं, इससे किसी भी एंगल से वो मुतासिर ना हो, इट डजंट गेट अफेक्टेड नो मैटर हाउ मेनी रोल्स आई एम प्लेइंग। अब विजन में मसला ये आता है कि इंसान ये डिसाइड तो कर लेता है कि उसको बनना क्या है, एलोकेशन नहीं कर पाता वो। सो द परफेक्ट नॉलेज अबाउट योरसेल्फ, यू कैन इवैल्यूएट इट। मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, समझ तो आए ना, कैलकुलेशंस क्या है, सही इल्म होना चाहिए मुझे इस चीज का। एक फील्ड के ऊपर कंप्लीट ग्रिप जब तक आपके पास नहीं होगी, यू कांट मास्टर इट। अल्लाह कहते हैं ना, हम एक आम इंसान को इमाम बना देते हैं। कैसे बना देते हैं? सर वो ग्राइंड हुआ होता है, उसने मेहनत की होती है, उसने काम किया होता है, नॉलेज आ गई, किस चीज को कहाँ रखना है, किस रिसोर्स को कितनी अहमियत देनी है, किस इंसान को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, कहाँ रखना है, मुझे कितना काम करना है, उससे कितना काम लेना, अगर ये मेरा काम कर सकता है तो मैं इसका भी काम कर लूं, ये मेरा काम कर सकता है तो इसका भी काम कर दूं, जो भी आपके काम आ सकते हैं ना सर, उससे काम। एरर होगा तो आप फेल होंगे, और फेल होंगे तो आप पता है क्या करेंगे? रेक्टिफिकेशन। तीनों का ताल्लुक एक्ट से, परफॉर्मेंस, एरर्स, रेक्टिफिकेशन। फेलियर आया, मैंने सोचा क्या हो गया यार, कहां मैं लैग कर गया, वैसा नहीं उसको छोड़ दिया। हमारा सबसे बड़ा मसला है हम फेल होते हैं, हम छोड़ देते, कहते हैं मुझसे होगा ही नहीं, मैं नहीं कर सकता, मेरा ये विजन गलत था। मैं कहता हूं फेलियर जो है ना, सबसे बेस्ट डिग्री है आपके पास, क्योंकि आपके पास पता है क्या बनता है, उससे लॉग फाइल बनता है कि आप कहां लैग कर रहे हैं। तो एलिमेंट जो है ना फेलियर का, दैट्स योर यूएसपी। आप किसी और को भी गाइड कर सकते हैं, भाई ये तुम कर रहे हो ना, मैं आया हूं आज आपको बताने के लिए, क्यों आया हूं, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंसेस हैं फेलियर्स के बहुत सारे, लेकिन मेरे अचीवमेंट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे। आपको नहीं पता होता आप अपनी लाइफ में आगे जाके क्या कर सकते हैं, लेकिन प्लान जरूर कर सकते हैं कि मैं ये करूंगा, और फिर उस प्लान को अचीव करने के लिए जो आप काम करेंगे, दैट्स विजन मैनेजमेंट, दैट्स द रोड यू वांट टू पिक, दैट्स द रिसोर्स यू वांट टू पिक। अब फेलियर से कोई डरेगा आज के बाद? फेलियर से तो डरना ही नहीं है, फेल हो जाओ बोलो यस आई गॉट अ वे टू लर्न, आई गॉट अ वे टू लर्न, मुझे पता चल गया कैसे पढ़ना है। सर आप करें, बिल्कुल करें, मेहनत करें, काम करें, एरर्स करें, फेल हो, खड़े हो, दोबारा करें, दैट्स व्हाट मैनेजमेंट इज, दैट्स व्हाट योर विजन इज, दैट्स व्हाट द रोड इज। क्योंकि आपको करना है ना यार, मुझे बस चढ़ी हुई है, मुझे बनना है, मैं बनूंगा, बन के रहूंगा, आई विल टेल योर सेल्फ, टेल योर नफ्स, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल टू कीप एवरीवन हैप्पी अराउंड यू, टू मेक एवरीवन सेटिस्फाई विद योर पर्सनैलिटी, नॉट पॉसिबल, एंड डोंट इवन ट्राई फॉर इट, बिकॉज व्हाट यू लूज, यू विल लूज योर सेल्फ वन डे। आज सिर्फ एक बात कहूंगा आपसे आखिरी में, दो चीजें याद रखना, कभी भी अपनी ख्वाहिशात और अपने शक को अपने विजन के बीच में नहीं आने देना, क्योंकि ख्वाहिशें आपको हमेशा रोकेंगी और शक आपको काम करने से रोकेगा। The doubts and the desires, the two D's. कभी भी अपने आप को छोटा मत समझना। You are the boss, you are the one, because आगे सबको आपको संभालना है, आगे बहुत रेस है। Be consistent and be certain for what you want to do. जब लोग जो आपके खिलाफ खड़े थे वो आपके साथ खड़े होंगे, उन तालियों में वो दो हाथ उनके भी होंगे जो हाथ आपकी तरफ खड़े हुए थे आपको लेट डाउन करने के लिए, और उस दिन कहना थैंक यू सो मच, व्हाट आई एम इज बिकॉज ऑफ यू ऑल। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।